दुर्ग जिले के आला अधिकारियों के निर्देश पर जिले भर के थाना और चौकी क्षेत्रों में बीती रात सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें गाड़ियों पर तीन सवारी चलना, गाड़ियों के मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने तथा संदिग्ध रूप से घूमती लोगों पर कार्रवाई की गई। दुर्ग जिले के सभी थाना क्षेत्र में शाम के समय एक साथ कार्रवाई से बदमाशों एवं संदिग्ध रूप से घूमने वालों में हड़कंप मच गया, जिससे संपूर्ण दुर्ग जिले के थाना क्षेत्र में 226 से अधिक वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई खास तौर पे आवारा घुमंतु तीन सवारी चालकों के लिए थी। कार्रवाई को संवेदनशील इलाकों के आसपास अड्डेबाजी करने वाले एरिए में पॉइंट लगाकर एवं नाकेबंदी के माध्यम से चेकिंग अभियान चलाया गया। जिला दुर्ग के संपूर्ण थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान में कुल 226 से अधिक वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 38 वाहन चालक जो आवारा घुमंतु, तीन सवारी वाहन चालक जो बिना कागजात के पकड़े गए, उनकी वाहनों को जब्त किया गया। इसके अलावा 6 मॉडिफाइड साइलेंसर तेज आवाज बुलेट पर कार्रवाई कर साइलेंसर को जब्त किया गया एवं 150 से अधिक वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में जो संदिग्ध लोग घूमते हैं, तीन सवारी रेसर बाइक मॉडिफाइड साइलेंसर्स में लगाकर घूमते हैं और असामाजिक हरकत करते हैं, इन लोगों को विशेष तौर पे चेक करना है। साहब के निर्देश पर आज सुबेरा थाने में भी गदा चौक में एक पॉइंट लगाया गया था, जिसके दौरान पे करीब 50 से अधिक गाड़ियों को चेक किया गया, जिसमें से जो तीन सवारी और जो बदमाश किस्म के लोग विदाउट पेपर्स जो गाड़ियों में चल रहे थे, उनके विरुद्ध में चालानी कार्रवाई की गई है। कुछ करीब 8 से 10 ऐसे गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं जिसमें साइलेंसर्स मॉडिफाइड थे, काफ़ी ध्वनि प्रदूषण होता था, उन गाड़ियों पे भी पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करते हुए अभी थाना में खड़ा कराया है और उनके साइलेंसर को बदली भी करा दी है। ये कार्रवाई पुलिस की रूटीन कार्रवाई है, समय समय पर पुलिस के द्वारा की जाती रही और आगे भी की जाती रही। बुधवार को देर रात तक चली इस कार्रवाई से शहर भर में वाहन चालकों में भय का माहौल बना हुआ है, तो वहीं आपराधिक तत्वों में दहशत की स्थिति पैदा हो गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।